राजधानी बगदाद में बड़ा हमला हुआ है। इराक की संसद के पास ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया। बगदाद में एक दो नहीं बल्कि 9 रॉकेट दागे गए। यह हमला ग्रीन जोन में हुआ है। इस हमले में सुरक्षा बल के कई जवान और आम नागरिक भी घायल हो गए हैं। हमले की तस्वीरें भी आई हैं जिसमें रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बगदाद में रॉकेट से हमला किया गया है। ताबड़तोड़ 9 रॉकेट दागे गए हैं और इन हमलों में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। इराक की संसद के पास ये हमला होता है। बगदाद में हुए इन हमलों की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक एक करके रॉकेट से हमले किए गए जिससे वहां तबाही का मंजर दिखने लगा। एक रॉकेट रिहायशी इलाके की सड़क पर गिरा जबकि दूसरे रॉकेट ने सड़क पर खड़ी कारों को तबाह कर दिया। कुछ इसी तरह से एक और रॉकेट बगदाद की सड़कों पर गिरा। बगदाद में इसी तरह से कुल 9 रॉकेट दागे गए जिसमें आम नागरिक भी घायल हो गए। बगदाद में ये हमले संसद के पास ग्रीन जोन में किए गए जहां सरकारी भवन और विदेशी मिशनों का घर है। रॉकेट हमला ठीक